हरे कृष्णा वैष्णव के श्री चरणों पे दंडवत प्रणाम अगर मुझसे कोई त्रुटि हो जाए इसके लिए मुझे क्षमा करना आज हम श्रीपाद जीव गोस्वामी के जीवन के पर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालेंगे लेकिन उससे पहले हम प्रेयर करते हैं नमा विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी महाराज नाम नमा विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनतीम नमस्ते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु श्री श्रीअद्व गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तिवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा जीव गोस्वामी जीव गोस्वामी बाद हमारे सठ गोस्वामियों में से एक है वे सभी गोस्वामियों में सबसे छोटे हैं जीव गोस्वामी जी का जन्म 1511 रामकेली राम केली में हुआ बचपन में ही जब वे तीन चार वर्ष के थे तभी उन्हें महाप्रभु का दर्शन हुआ ब्रज लीला में जीव गोस्वामी जी विलास मंजरी हैं जो विशाखा सखी की मुख्य सखी दासी हैं उनके पिता तथा चाचा रूप गोस्वामी व सनातन गोस्वामी नवाब थे इसलिए वे बहुत संपन्न परिवार से थे जिस समय बच्चे गुड्डे गुड़ियों के खिलौने से खेलते हैं तब जीव गोस्वामी कृष्ण बलराम के विग्रहों के साथ खेलते थे और उनके साथ सोते थे जीव गोस्वामी जी बहुत ही कुशाग्र बुद्धि के थे जीव गोस्वामी की माँ उन्हें बचपन में पुरानों से कथा सुनाती थी एक वे एक बार में ही सुनकर सब याद कर लेते थे उसके बाद उन्होंने संस्कृत में संस्कृत संस्कृत व्याकरण व्याकरण अलंकार अलंकार सीखा में वे बहुत शीघ्र ही दक्ष हो गए एक बार उन्होंने स्वप्न में देखा कि कृष्ण और बलराम महाप्रभु और नित्यानंद के रूप में प्रकट हुए हैं और उन्हें आशीर्वाद दे रहे हैं तथा अपने चरण कमल उनके मस्तक पर रख रहे हैं बाद में चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें नित्यानंद प्रभु के पास ले गए और नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि आपका प्रेम गौरांग प्रभु के प्रति दिन दिन बढ़ता ही जाए एकांत में रहते हुए भी जीव गोस्वामी भाव में आ जाते थे और भावावेश होते हुए वे जोर जोर से चिल्लाते श्री कृष्ण चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य जब वे सोलह वर्ष के हुए तो उन्हें वृंदावन जाने की इच्छा हुई लेकिन उनके घर वालों ने उन्हें आज्ञा नहीं दी जीव गो एक जीव गोस्वामी ने एक युक्ति सोची क्यों ना मैं पहले नवदीप जाऊं क्योंकि नवदीप उन दिनों उच्च शिक्षा का केंद्र होता था मैं शिक्षा अध्ययन के लिए वहां जाऊंगा जिससे वृंदावन जाना आसान हो जाएगा नवदीप जाने से पहले उन्हें पता चला कि नित्यानंद प्रभु नवदीप आए हुए हैं और श्रीवास जी के घर रुके हुए हैं तो उनकी तीव्र इच्छा हुई उनसे मिलने की जब नित्यानंद प्रभु से मिले तो नित्यानंद प्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए गोस्वामी जी से मिलकर नित्यानंद प्रभु जीव गोस्वामी को नवदीप मंडल परिक्रमा में साथ लेकर गए तब नित्यानंद प्रभु ने मध्य लीला का वर्णन किया था तब जीव गोस्वामी की इच्छा हुई कि मैं अंत लीला भी जानू जो जगन्नाथपुरी में प्रकट हुई थी और उन्होंने आशीर्वाद भी लिया कि मैं महाप्रभु के उन स्थलों को देखूं जो जगन्नाथपुरी में हैं। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने उन्हें आदेश दिया कि रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी जो उनके चाचा हैं, वृंदावन में उन स्थलों को खोज रहे हैं और विग्रहों को स्थापित कर रहे हैं तथा ग्रंथों की भी रचना कर रहे हैं तो आप वहां जाकर उनकी सहायता करो लेकिन उससे पहले आप काशी जाओ जहाँ दर्शन का अध्ययन करो नित्यानंद प्रभु की आज्ञा से जीव गोस्वामी जी ने काशी जाकर न्याय शास्त्र सीखा और वेदांत दर्शन का भी अध्ययन किया बहुत ही सम, कम समय में वे जब वे उन्नीस केवल उन्नीस वर्ष के थे इतने प्रकांड हो गए कि लोग उनके दर्शन करने आते थे और काशी में बड़े बड़े विद्वान उनसे सीखने आते थे इसके बाद जब वे वृंदावन आए तो सनातन गोस्वामी ने उन्हें आज्ञा दी कि वे रूप गोस्वामी जी से दीक्षा लें फिर उसके बाद एक कथा आती है जो बहुत महत्वपूर्ण है एक बार दिग्विजय पंडित नाम थे नाम के एक विद्वान व्यक्ति थे जो सब जगह जा जाकर शास्त्रार्थ करते थे और सबको हराते थे तो उन्हें जब वो वृंदावन पहुंचे तो वहां उन्होंने रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी का नाम सुना तो उन्होंने सोचा यदि मैं इनको हरा दूं तो वृंदावन में मैं बहुत विख्यात हो जाऊंगा तो वे इन गोस्वामी के पास पहुंचे शास्त्रार्थ करने तो रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी ने सोचा कि क्यों हम इन इसके साथ अपना डिस्कशन करके अपना समय बर्बाद करें तो उन्होंने कहा नहीं हम आपसे डिस्कशन नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा ठीक है फिर आप मुझे लिख कर दे दो कि हा, मैं हार गया तो उन्होंने सोचा ठीक है चलो उन्होंने लिख कर दे दिया कि हमने हार मान ली आप विजयी हुए तो बहुत प्रसन्न हुआ पंडित ढोल नंगारे बजाता हुआ हाथी पर चढ़कर शोर मचाते हुए कहने लगा कि मैंने रूप को हरा दिया मैंने सनातन को हरा दिया तो जीव गोस्वामी ने देखा ये कौन है जिसने मेरे गुरु को हरा दिया तो उसने कहा कि नीचे आइए और बताइए कि कैसे हरा दिया तो उसने कहा देखिए मेरे पास ये लेटर है जो मैं गले में टांग कर घूम रहा था जीव गोस्वामी ने पूछा क्या तुमने उनसे तर्क संगत तर्क किया था तो बोला नहीं उन्होंने साथ साथ करने से पहले ही हार मान ली जीव गोस्वामी बोले अब मुझसे शास्त्रार्थ करो जीव गोस्वामी ने विद इन मिनट उन्हें हरा दिया तब तो उसने पूछा कि आप कौन हो जो जीव गोस्वामी ने कहा मैं जिनको तुम अभी बड़े बोल रहे हो मैं उनका छोटा सा अधम सा शिष्य हूँ तो इससे दिग्विजय पंडित बहुत शर्मिंदा हुआ और चुपचाप वहां से चला गया फिर एक बार रूप गोस्वामी भक्ति रसाम रसामत सिंधु का ग्र, ग्रंथ लिख रहे थे तो जीव गोस्वामी जी पंखा कर रहे थे उसी समय श्री बात पाद वल्लभाचार्य जी जो महाप्रभु के समान जमाने के विद्वान थे तो वहां पर आए तो उनका उन्होंने बहुत सम्मान किया तो उन्होंने पूछा क्या लिख रहे हो तो उन्होंने बताया कि यह एक श्लोक था तो महा तो वल्लभाचार्य जी ने कहा कि मैंने यह श्लोक देखा है लेकिन इसमें एक छोटी सी त्रुटि है अगर आप कहें तो मैं इसे ठीक कर दू तो रूप गोस्वामी ने कहा हाँ हाँ अवश्य क्यों नहीं तो उन्होंने थी, उसे ठीक कर दिया तो जब नेक्स्ट डे जीव गोस्वामी जी वल्लाचार्य के साथ स्नान करने गए यमुना पर तो उन्होंने जीव गोस्वामी जी ने उन्हें बहुत क्रोध किया कि तुमने मेरे अ, मेरे गुरु को कैसे करेक्ट कर सकते हो क्या मेरे गुरु ने तो बिल्कुल सही लिखा है तो फिर वल्लभाचार्य जी को बताया कि मेरे गुरु ने कुछ गलत नहीं लिखा आपने गलत समझा है तो वल्लभाचार्य जी अपनी गलती समझकर उनसे क्षमा मांगी और रूप गोस्वामी जी से भी क्षमा मांगी तो उन्होंने पूछा ये कौन है तो रूप गोस्वामी जी ने बताया कि ये मेरा शिष्य है तो उन्होंने तो उसके बाद जब वो चले गए तो रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी पर बहुत क्रोधित हुए तो उन्होंने कहा कि तुम्हारे अंदर इतना अहंकार क्या तुम्हारे अंदर इतनी भी सहन शक्ति नहीं है तुम वृंदावन से चले जाओ तुम वृंदावन में रहने लायक नहीं हो और यहाँ तभी आना जब तुम्हारे अंदर से पूर्ण रूप से अहंकार खत्म हो जाए तो एक बार जब सनातन गोस्वामी भिक्षाटन कर रहे थे उन्होंने एक द्वार को खटखटाया जिसमें एक स्त्री निकल कर आई और उसे उन्हें कुछ भिक्षा दी तो उन्होंने कहा एक बाबा वहां बैठे हैं इतने बहुत दिनों से ना वो कुछ खाते हैं ना पीते हैं तब तो सनातन गोस्वामी ने वहां जाकर देखा वो तो जीव गोस्वामी थे तो सनातन गोस्वामी उनकी हालत देख रोने लगे जीव ये तुमने क्या हालत बना रखी है तो जीव गोस्वामी ने रोते हुए बताने लगे कि मैंने अपने गुरु को बहुत दुख पहुंचाया है मैं जीने लायक नहीं हूं मुझे मर जाने दीजिए तब सनातन गोस्वामी उन्हें वहां से लेकर गोस्वामी जी के पास पहुंचे तो रूप उन्होंने रूप गोस्वामी से कहा रूप तुम कैसे हो तुम जीवों पर दया करने की बात करते हो और तुम्हारा एक जीव है तुम उसे ही भूल गए हो तब रूप गोस्वामी को याद आया फिर जीव गोस्वामी को उन्होंने गले लगा कर वे दोनों बहुत रोए कितना मधुर संबंध था गुरु और शिष्य का शायद ही गुरु और शिष्य का ऐसा मधुर संबंध हमें कहीं और देखने को मिले तो एक बार रूप गोस्वामी के सपन में राधा दामोदर आए उन्होंने कहा कि मेरा एक भक्त है जीव गोस्वामी वो मुझसे बहुत प्रेम करता है अगर मैं उसके हाथ से होना चाहता हूँ क्या तुम मुझे उसे सौंपोगे तो रूप गोस्वामी उठे और उन्होंने राधा दामोदर का अपने हाथों से विग्रह बनाया और जीव गोस्वामी को भेंट किया आज भी वो विग्रह विग्रह जयपुर में राधा दामोदर जी के मंदिर में स्थित है आप हम हम भी वहां दर्शन कर सकते हैं जीव गोस्वामी ने बहुत से ग्रंथों की रचना की लगभग 25 ग्रंथों में 4 लाख श्लोक लिखे जो कि 18 पुराणों से भी अधिक हैं ये सभी 4 लाख ,00 श्लोक पूर्ण शुद्ध रूप से केवल भगवान के ऊपर हैं डिवाइन ग्रेस ऐसी भक्तिदान स्वामी प्रभुपाद कहते हैं कि शील जीव गोस्वामी और शील भक्तिदान सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज हमारे संप्रदाय के सबसे महान आचार्य हुए हैं आज हमें जो यथारूप गौरिया वैष्णव साहित्य प्राप्त हो रहा है उसमें जीव गोस्वामी जी का बहुत योगदान है मास के शुक्ल पक्ष की को को उन्होंने अपने भौतिक देह त्याग कर भगवान की नित्य लीला में प्रवेश किया आज भी उनकी समाधि वृंदावन के दामोदर राधा दामोदर मंदिर में है हमें अपने सभी विद्वान आचार्यों गोस्वामियों को प्रार्थना करनी चाहिए कि वे हमें थोड़ी सी भक्ति दें और अपनी कृपा की कुछ बूंदें हमारे ऊपर बरसा ताकि हम भी श्री श्री राधा गोविंद देव की श्रद्धा भाव से सेवा कर सके अपने गुरु के प्रति श्रद्धा रख सके और ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं जीव गोस्वामी के चरणों में दंडवत प्रणाम करती हूँ शील जीव गोस्वामी पाद की जय शील प्रभु पाद की जय